आइए देखते हैं दिनभर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जनपद में निरंतर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के विभिन्न 67 स्थानों पर बूथ लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें 27 स्थानों पर 18 वर्ष से अधिक के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। बूथों पर भीड़ की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए पहले से ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थियों को ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एक बना इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, पद में 67 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें 27 जगहों पर 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 प्लस लोगों में टोटली हम पोर्टल से वैक्सीनेशन हो रहा है। पहले लोग अपना पोर्टल पर कोविन पोर्टल पर अपना नाम एंटर करते हैं और फिर पोर्टल के माध्यम से उनको जगह, समय और दिन और समय निर्धारित करके दिया जाता है, उस जगह पर जाकर के लोग वैक्सीनेशन कराते हैं। दूसरा, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी चालू है 2 दिन के लिए, जो 45 के प्लस लोगों का वैक्सीनेशन होना है। और हमारी प्रायोरिटी है कि सेकेंड डोज जिनका वैक्सीनेशन होना है उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में उनका कराते हैं। सर, जो यहाँ टेस्टिंग कराए जा रहे हैं, सर टेस्टिंग में सर जो पॉजिटिव संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उनके सर इस समय क्या स्थिति है? कोरोना टेस्टिंग में पॉजिटिविटी इस पिछले 4-5 दिनों से कुछ घट रही है। कल हमारे पास 450 पॉजिटिव केसेस आए। ये परिणाम जो है कोरोना लॉकडाउन की वजह से संभव हो सका है, और हमारी जनता के लिए हमको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने कोरोना के नियमों का पालन किया है। जो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में एकत्र नहीं हो रहे हैं और घरों में लोग हैं, जिसके संक्रमण की दर बहुत कम हो गई है। और आने वाले कुछ दिनों तक अगर इस तरह से कोरोना बिहेवियर लोग करते रहेंगे तो हम बहुत कुछ मात्रा में कोरोना के संक्रमण को रोक देंगे।